वेलकम एक्सप्लोरर्स ऑफ द अननोन। आज एक ऐसी जर्नी में आपका स्वागत है जो हमें समुद्र की गहराई तक ले जाएगी, जहां मिथ्स और हिस्ट्री के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम दो लेजेंडरी खोए हुए शहरों के रहस्यों को अनकवर करने की खोज में निकल पड़े हैं, द्वारका और अटलांटिस। आइए पता लगाते हैं कि समुद्र के नीचे कौन सी सच्चाई छिपी हो सकती है। ऐसे डिवाइन ओरिजिन के एक शहर की कल्पना करें जिसकी एग्जिस्टेंस इतिहास को फिर से लिख सकता है। भगवान कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका आज अरब सागर के नीचे सोई हुई है। लेजेंड्स इसके वैभव की बात करती हैं। एक ऐसा शहर जहां दिव्य महल सूर्य के नीचे चमकते थे और इसकी समृद्धि की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन इसके भाग्य पर एक अंधकारमय भविष्यवाणी मंडरा रही थी। जैसे ही हम पानी के नीचे खंडहरों में खोजना शुरू करते हैं, हर एक कलाकृति उस समय की कहानियों को बताती है जब देवता मनुष्यों के बीच चलते थे। शहर का अचानक रसातल में गिरना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह भविष्यवाणी की गई थी, एक दैवीय कार्य जिसने द्वारका के भाग्य को सील कर दिया। प्राचीन लोग कौन से रहस्य जानते थे? शहर के विनाशकारी अंत का कारण क्या था? प्रत्येक जलमग्न संरचना को उजागर करने के साथ रहस्य गहराता जाता है। शहर की राजसी दीवारें और दरवाजे जो अब खामोश हैं, सच्चाई की उसी तीव्रता से रक्षा करते प्रतीत होते हैं जैसे वे एक बार शहर के खजानों की रक्षा करते थे। हम जितना गहराई में उतरते हैं उतना ही अधिक हमें एहसास होता है कि द्वारका सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, यह एक पहेली है जो सुलझने का इंतजार कर रही है, एक कहानी है जो बताई जाने का इंतजार कर रही है। आइए हमारे साथ, क्योंकि हम मिथ और रियलिटी की परतें खोलने जा रहे हैं, उन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं जो सदियों से इतिहासकारों से दूर रहे हैं। शहर की पानीदार कब्र में हमें क्या मिलेगा, केवल समुद्र ही जानता है, और वह अभी तक द्वारका के अंतिम रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार नहीं है। द्वारका, जिसे अक्सर स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है, महान धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान रखता है। यह 84 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो समृद्ध और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। द्वारका नगरी का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण डिवाइन इंटरवेंशन से एक ही दिन में किया गया था। द्वारका के निर्माण की सटीक समय सीमा मिथकों में छिपी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 5000 साल पहले हुई थी, जो महाभारत काल से मेल खाती है। द्वारका प्राचीन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का चमत्कार थी। इसमें 900,000 शाही महल थे जो क्रिस्टल और चांदी से बने थे और कीमती रत्नों से सजाए गए थे। शहर में मुख्य मार्गों, सड़कों और बाजारों के साथ एक सुनियोजित लेआउट था। ये अपने खूबसूरत बगीचों, कमलों से भरी झीलों और पक्षियों और मधुमक्खियों की आवाज के लिए भी जानी जाती थी। शहर के डूबने को कृष्ण की मृत्यु से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके दुनिया से चले जाने पर समुद्र बढ़ गया और शहर को डुबो दिया, जिससे इसका अस्तित्व मिट गया और यह कहानियों का विषय बन गया। सदियों से द्वारका की स्मृति पौराणिक कथाओं में धूमिल हो गई है। हाल की आर्कियोलॉजिकल खोजों की वजह से शहर के अस्तित्व को हिस्टोरियंस ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पानी के नीचे की खोज में पत्थर की संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जो प्राचीन शहर का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे द्वारका की ऐतिहासिक वास्तविकता में रुचि फिर से जागृत हो गई है। अब आइए हम अपना ध्यान अटलांटिस पर फोकस करते हैं। वह प्रसिद्ध द्वीप राष्ट्र जो एक ही प्रलयंकारी घटना में लहरों के नीचे गायब हो गया। स्कॉलर्स ने लंबे समय से इसके अस्तित्व पर बहस की है, लेकिन हाल की खोजों ने हमें सच्चाई को उजागर करने के करीब ला दिया है। अपनी उन्नत तकनीक से लेकर दुखद डाउनफॉल तक, अटलांटिस हमारी कल्पना को मोहित करता रहा है। अटलांटिस की आहट युगों युगों से गूंजती आ रही है, एक सभ्यता जो रहस्यों से घिरी हुई है और समुद्र के सबसे गहरे रहस्यों में छिपी हुई है। इसकी कहानी प्लेटो से शुरू होती है, जिसने एडवांस्ड प्राणियों के एक द्वीप की बात की थी
जो देवताओं का पसंदीदा था, फिर भी गायब होने के लिए अभिशप्त था। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई कहीं अधिक सम्मोहक हो? क्रिस्टल टावरों और सुनहरी सड़कों वाले एक शहर की कल्पना करें जो एक ही प्रलयकारी रात में लुप्त हो गया। कौन सी शक्ति ऐसे चमत्कार को इतिहास से मिटा सकती है? जैसे जैसे हम रसातल में गोता लगाते हैं, प्रत्येक सुराग जो हमें मिलता है वह और अधिक प्रश्नों को जन्म देता है। क्या यह एक नेचुरल डिजास्टर, दैवीय प्रतिशोध या इससे भी अधिक भयावह कुछ? महासागर इसके रहस्यों की रक्षा करता है और अटलांटिस इसका सबसे कीमती स्थान है। हर एक ढंसी हुई कलाकृति, हर एक रहस्यमय प्रतीक एक ऐसी सभ्यता की ओर संकेत करता है जिसने उन्हीं तत्वों को चुनौती दी है। फिर भी हम जितनी गहराई से खोज करते हैं, छाया उतनी ही अधिक बदलती प्रतीत होती है, मानो अटलांटिस के असली भाग्य की चाबी छिपा रही हो। अटलांटिस अद्वितीय धन और टेक्नोलॉजी की सभ्यता थी। कहा जाता है कि इसे देवताओं ने अपने लोगों के अहंकार के कारण नष्ट कर दिया था। अब यह कहानियों के दायरे में रहती है। क्या यह समाज वास्तव में था? इसकी खोज जारी है, क्योंकि हम प्राचीन ग्रंथों से मिले सुरागों को एक साथ जोड़ रहे हैं। सभी सवालों के जवाब देने के लिए अटलांटिस कहाँ है? अटलांटिस की कहानी प्लेटो के डायलॉग्स, टाइमियस और क्रिटियस से ओरिजिनेट हुई है, जहाँ इसे हरक्यूलिस के स्तंभों से परे स्थित एशिया माइनर और लीबिया से भी बड़े द्वीप के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। कहानियों के अनुसार अटलांटिस का निर्माण द्वीप के आधे देवता आधे मानव संस्थापकों द्वारा किया गया था। यह एक यूटोपियन सभ्यता थी जिसमें संकेंद्रित द्वीप चौड़ी खाइयों से अलग थे और एक नहर से जुड़े हुए थे जो सेंटर में प्रवेश करती थी। ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिस की सभ्यता लगभग 9600 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जिससे यह एक ऐसा समाज बन गया जो आज से लगभग 11600 साल पहले विकसित हुआ था। अटलांटिस गतिविधि और शासन का केंद्र था, जिसका केंद्रीय शहर पानी और जमीन के कंसेंट्रिक रिंग्स से घिरा हुआ था। ये रिंग्स जहाजों के लिए चौड़ी सुरंगों द्वारा जुड़े हुए थे, जिससे नौसैनिकों की आवाजाही आसान हो गई थी। केंद्रीय शहर एक मैदान पर स्थित था जो समुद्र की ओर उतरने वाले पहाड़ों से घिरा हुआ था। अटलांटिस के डाउनफॉल का श्रेय भूकंप और सुनामी सहित विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला को दिया जाता है, जिसके कारण यह एक ही दिन और रात में जलमग्न हो गया। अटलांटियंस, जो एक समय शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी, दुष्ट और अधर्मी हो गए, जिसके कारण दैवीय प्रतिशोध के परिणाम स्वरूप उनका द्वीप समुद्र में समा गया। द्वारका और अटलांटिस के बीच समानताएं आश्चर्यजनक हैं। दोनों शक्ति और ज्ञान के केंद्र थे। दोनों का अंत समुद्र के नीचे डूबकर हुआ। जब हम उनकी कहानियों की तुलना करते हैं तो हमें संयोग से कहीं अधिक मिलता है। हमें एक लेगेसी मिलती है जो कल्चर्स और कॉन्टिनेंट से परे है। क्या ये डूबे हुए शहर हमारे अतीत को समझने की कुंजी हो सकते हैं? दोनों सभ्यताओं को उन्नत शहरी नियोजन के साथ उल्लेखनीय आर्किटेक्चर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। द्वारका के पानी के नीचे के खंडहर ज्योमेट्रिक हाउसिंग पैटर्न और अच्छी तरह से संरक्षित संरचनाओं के प्रमाण दिखाते हैं, जबकि अटलांटिस को प्लेटो ने एक केंद्रीय द्वीप के साथ भूमि और पानी के संकेंद्रित सर्कल्स के रूप में डिस्क्राइब किया था। द्वारका के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वर्तमान समय से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजीज का सुझाव देते हैं, जो अटलांटिस में डिस्क्राइब्ड उन्नत टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के समान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें गर्म और ठंडे पानी के फव्वारे से लेकर उन्नत समुद्री क्षमताओं तक सब कुछ था। द्वारका की कहानी महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलती है, जबकि अटलांटिस की उत्पत्ति प्लेटो के दार्शनिक कार्यों से हुई है। दोनों ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या वे पौराणिक परंपराएं हैं या ऐतिहासिक आधार। द्वारका में चल रहे समुद्री आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और अटलांटिस की खोज दोनों खोए हुए ज्ञान को उजागर करने और प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देने के का प्रयास करती हैं। जैसे जैसे हम इतिहास की गहराइयों से बाहर निकलते हैं,
हमारे पास उत्तर से अधिक प्रश्न रह जाते हैं। द्वारका और अटलांटिस की लेगेसीज प्रेरित और रहस्यमयी बनी हुई हैं। महासागर और कौन से रहस्य छिपाते हैं, देखते रहिए, क्योंकि नॉलेज के लिए हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कहानियों से परे सच्चाई की तलाश करते रहें।